Namaskar. Structural Supervisor's Manual Chakhawa Part Hai. Isi episode mein aap sab logon ko main swagat karta hu. Gaya bar jab main panchwa episode gatam kiya usi samay aapko main ek exercise diya tha. Exercise dekh main bola tha उसके हिसाब से एक पैटर्न डेवलपमेंट बनाने के लिए बोला था. मैं महसूस कर रहा हूँ आप पैटर्न डेवलपमेंट बनाया. आप जरा देखिए बहुत अलग अलग रास्ता से अलग अलग रीति में हमको पैटर्न डेवलपमेंट बना सकता है. लेकिन अभी दो मेथड मैं इधर दिखाता हूँ. तीसरा और चारवा मेथड मैं आने वाले एपिसोड में दिखाऊंगा. उस दिन दिया हुआ एक्सरसाइज है ये. एक ओवल जैसे एक चीज बनाने के उसका रेडियस इधर दिया है 600. देखिए किधर से किधर तक है 600. आउटसाइड तक के सेंटर से आउटसाइड तक के जैसे मैं उसका आर्यो दिखाया वैसे ही है मेजरमेंट दिखाने का तरीक. और उसका थिकनेस 20 mm करके लिखा है. और दो हाफ राउंड का एक हाफ राउंड यही है दूसरा हाफ राउंड इधर से शुरू होकर इधर खत्म होता है. ये दो हाफ राउंड के बीच में स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट या सीधा सीधा जाता है. ये सीधा का लंबा कितना है वो 700 है. इसके हिसाब से एक पैटर्न डेवलपमेंट बनाना है तो मतलब ये रोलिंग करके बनाना है तो रोलिंग करने के पहले नहीं तो बेंडिंग करने के पहले उसको क्या रूप है क्या आकृति है वो आकृति कितना लंबा में है नहीं तो कितना चौड़ाई में है करके मैं आपको पूछा था. वो उसी एक्सरसाइज में आपको दिया था. उसी बार मैं उसका हाइट के बारे में नहीं मैं बोला था. इसका हाइट मैं किधर दिखाऊंगा आपको मालूम है ये प्लान है तो उसका हाइट उसका फ्रंट व्यू नहीं तो एलिवेशन में ये प्लान अपन इधर से देखिएगा तो जो दिखता है वो ये आपको मालूम है. उसका अभी ये ओवल वाला एक शेल का हाइट बोले तो 2000 के करके आपको मालूम पड़ गया. क्यों इधर डॉटेड लाइन दिया है करके बहुत बार मैं आपको बोला था क्योंकि ये प्लान हम लोग इधर से देखने समय इसका आउटसाइड हमको देख सकेगा. आउटसाइड है ये वाला. इसके लिए हम लोग आउटसाइड तिक्की लाइन से बनाया है जाड़ा वाला लाइन से बनाया. लेकिन अंदर का थिकनेस वो हमको इधर से देखने समय नईम नज़र में आएगा. इसके लिए हम लोग उसको डॉटेड लाइन लिखा है. ये डॉटेड लाइन से ये आउटसाइड लाइन तक 20 mm है. इधर वो दिया है इधर दिया है तो वो ये इधर भी दोनों में मेजरमेंट एक मेजरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. ओके ऐसा है तो ऐसा वाला एक शेल ओवल वाले एक शेल बनाना समय उसका लंबा कितना होना चाहिए उसका हाइट हमको मालूम पड़ गया 2000 ही. अभी कितना लंबा में कितना चौड़ाई में करना चाहिए हमको देखिएगा. देखिए पहले इधर से इधर तक सीधा करना चाहिए उसके बाद रोलिंग होता है इधर से इधर तक रोलिंग होता है. पहले सीधा उसके बाद रोलिंग वाला जगह उसके बाद फिर भी सीधा उसके बाद सबसे लास्ट फिर भी रोलिंग करने वाला है. उसका मतलब उसका डेवलपमेंट ऐसे ही होगा. पहले मैं बोला जैसे स्ट्रेट सीधा उसके बाद रोलिंग का जगह इधर से इधर तक
उसके बाद फिर भी स्ट्रेट सीधा वाला जगह मैं एस करके लिखा है, स्ट्रेट उसका शॉर्ट फॉर्म एस लिखा है। उसके बाद फिर भी रोलिंग वाला जगह उसको मैं आर करके लिखा है, रोलिंग का शॉर्ट फॉर्म आर करके लिखा है। इसमें ये बाजू में रोलिंग करना चाहिए, ये बाजू में भी रोलिंग करना चाहिए, और ये बाजू में सीधा है उसमें रोलिंग का ज़रूरत नहीं है, बेंडिंग का ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रेट वाला जगह है, ये भी स्ट्रेट वाला जगह है, हमको वो मालूम पड़ता है। एक स्ट्रेट वाला जगह, उसके बाद उसके नज़दीक वाला रोलिंग वाला जगह है, वो इधर दिखाया है। स्ट्रेट के बाद रोलिंग, रोलिंग के बाद फिर भी स्ट्रेट, स्ट्रेट के बाद रोलिंग। इधर भी देखिए, पहले स्ट्रेट वाला जगह, उसके बाद रोलिंग का जगह, उसके बाद फिर भी स्ट्रेट वाला जगह, सबसे लास्ट फिर भी रोलिंग का जगह। अभी बोलिए उसका मेजरमेंट कितना कितना होना चाहिए, ये सबको मालूम है। ये स्ट्रेट कितना होना चाहिए, वो इधर लिखा है 700 है करके लिखा है, वो 700 है। उसका मतलब इधर से इधर तक 700 है, इधर से इधर तक कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, उसका हाइट है, हाइट फ़र्क नहीं है, सीधा वाला जगह है। लेकिन ये जगह में सीधा उसके बाद रोलिंग होता है, इधर 700 लिखना चाहिए, इधर से इधर तक 700। ये डॉटेड लाइन बोलेगा तो ये डॉटेड लाइन तक सीधा है, डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन तक रोलिंग आता है, ये डॉटेड लाइन से ये डॉटेड लाइन तक फिर भी सीधा है, ये डॉटेड लाइन से सबसे लास्ट तक फिर भी रोलिंग है। अभी ये डेवलपमेंट है, इतना तो बनाना चाहिए, ये इसका शेप होगा, लेकिन इसमें मेजरमेंट नहीं लिख के रखा है। अभी मेजरमेंट भी इसमें लिख के रखना चाहिए, पहले इधर से इधर तक 700 लिखने के, मैं इधर 700 लिखा है, इधर से इधर तक 700, मैं इधर लिखा है इधर से इधर तक 700। ऐसा वाला 700 का जगह फिर भी आए करके आप मालूम है, क्योंकि 700 का सीधा जगह खत्म होने के बाद एक रोलिंग है, और रोलिंग के बाद फिर भी 700 आएगा, फिर भी मैं 700 लिखा है। इधर से इधर तक सीधा है, इधर से इधर तक भी सीधा है, लेकिन इधर से इधर तक रोलिंग है, पहले बोला जैसे इधर से इधर तक भी रोलिंग है। अभी हमको क्या जानना चाहिए, दो मेजरमेंट मिल गया, 700 मिल गया, फिर भी 700 मिल गया, ये दोनों के बीच में एक मेजरमेंट है, वो नहीं मिला, वो मिलने के लिए क्या करना चाहिए, उसका पेरीमीटर हमको मालूम होना चाहिए, इधर से इधर तक उसका पेरीमीटर, उसके लिए क्यों क्या डायमीटर लेना चाहिए करके आपको मालूम है। गया बार और उसका पहले का बार एपिसोड में मैं बराबर बोला था, मेजर डायमीटर नहीं लेना चाहिए, माइनर डायमीटर नहीं लेना चाहिए, उसके बिना मीडियम डायमीटर, उसका मतलब ये डॉटेड लाइन जिधर शुरू होता है उस जगह से, ये डॉटेड लाइन जिस जगह पर एंड होता है उसका, ये शेल का अनुसार इसका डायमीटर कितना होगा आपको मालूम है, 1200 नहीं होगा आपको मालूम है, क्योंकि 600 और 600 गिनेगा तो 1200 होगा, 1200 आउटसाइड ही है, वो नहीं है। फिर क्या है, उससे थिकनेस का आधा कम इधर करना चाहिए, थिकनेस कितना है 20 mm, 20 mm से आधा बोलेगा तो 10 mm कम करेगा, तो 600 से 10 mm इधर कम करना चाहिए, वैसे इधर का 600 से फिर भी 10 mm कम करने के, मतलब टोटल बोलेगा तो 1200 से 10 mm इधर कम किया, 10 mm इधर कम किया, 1200 से 20 mm टोटल कम करना पड़ता है, मतलब एक थिकनेस कम करना पड़ता है, कितना आता है 1180 आता है। अभी आपको कैसे करने के है मालूम है, पाई डी अपना फॉर्मूला, पाई डी करेगा तो आपको
पूरा पेरीमीटर मिलेगा, इधर तक नहीं है, पूरा पूरे एक राउंड का मिलेगा। लेकिन हमको पूरा जरूरत नहीं है, आधा करना है तो क्या करना चाहिए, वो भी आधा करना चाहिए। जितना मांगते हैं वो पेरीमीटर का कितना गुना बड़ा है वो जानना चाहिए। पूरा पूरा राउंड का आधा है तो पेरीमीटर भी आधा होगा, पूरा राउंड का आधा है उसका डिग्री है तो पूरा राउंड का पेरीमीटर का भी आधा भी होगा। पूरा राउंड का पेरीमीटर हमको मालूम है 360, ऐसा है तो उसका आधा है, आधा डिग्री बोलो तो क्या है, इधर से शुरू होकर इधर तक पहुंचने समय उसका डिग्री 180 है। 180 बाय 360 बोलेगा तो 1/2 है करके गया बार मैं बोला था, सबको मालूम है। उसके लिए अलग फॉर्मूला अपना जिंदगी से आपको अपना मर्जी से बनाना है तो बना सकता है करके भी बोला था। वैसे हम लोग अपना मर्जी से एक फॉर्मूला बनाया है, क्या है फॉर्मूला, पाई डी इंटू डिग्री डिवाइड बाई 360, पाई डी इंटू डिग्री डिवाइड बाई 360। पाई बोला था आपको मालूम है 3.14 है उसका मेजरमेंट, डी बोला तो डायमीटर है, इधर थीटा लगा है डिग्री के लिए, डिग्री के लिए थीटा लिखता है, डिवाइड बाय 360 जो लिखा वो इधर में लिखा है पाई डी इंटू डिग्री डिवाइड बाय 360, वो ये इधर भी पाई डी इंटू डिग्री बाय 360। ये जो जो मेजरमेंट है वो तो सब इसमें डाल दिया, पाई के जगह पर 3.14 डाल दिया। वो क्यों वो डालता है करके फिर भी मुझको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार बोला था। पाई का वैल्यू बोलेगा तो 3.14 है, और डी बोलेगा तो कितना है 1080 क्यों, टोटल 1200 है, उसमें हमसे वो नहीं लेना चाहिए, उसका मीडियम डायमीटर लेना चाहिए। जो जगह में मैं अभी टच किया है उस जगह से इधर का डॉटेड लाइन, जो जगह में अभी मैं टच कर रहा हूँ, मतलब डॉटेड लाइन में टच कर रहा हूँ, वो जगह तक 1200 नहीं है, 1180 है, क्योंकि दशमलव इधर से कम किया, दशमलव इधर से भी कम किया। ओके, उसके हिसाब से हम लोग करेगा तो पाई डी इंटू डिग्री डिवाइड बाई 360 करेगा तो पाई डी इंटू डिग्री बाई 360, डिग्री बोले तो 180 है, क्योंकि आधा है राउंड का आधा है करके हमको मालूम है। वो उसके अनुसार हम वो गिनेगा तो हमको कितना मिलेगा 1853.5। जरा देखेंगे, पाई इंटू डी बोलेगा तो 1180 है, 1180 इंटू डिग्री, डिग्री बोलेगा तो 180 है, 180 डिवाइडेड बाई 360, क्या जवाब मिला, 1853.5 मिला, 1853.5 मिला, 1853.5। ओ ये क्या मेजरमेंट, रोलिंग का मेजरमेंट, इधर से इधर तक ऐसे एक रोलिंग करना है तो 1853 लेना है, ऐसा है तो एक राउंड मिलेगा उसका आउटसाइड रेडियस 600 होगा, इधर से इधर तक 1853.5 है, ये भी रोलिंग का जगह है, आर करके लिखा है, इधर से इधर तक भी 1853.5 है, मैं इधर बराबर ओ लिखा है 1853.5 इधर से इधर तक, वो जगह में रोलिंग करने के है, इधर भी रोलिंग का जगह है, इधर से इधर तक उधर भी 1853.5 करके मैं लिखा है। ये दोनों का बीच में ये रोलिंग और ये रोलिंग, ये दोनों का बीच में एक पोर्शन है वो सीधा है, उसमें रोलिंग नहीं आना चाहिए,
और 1853.5 का ये डॉटर लाइन से एंड तक एक 700 है, उसमें भी रोलिंग नहीं होना चाहिए, वो भी सीधा जगह है। ऐसे करेगा तो सीधा रोलिंग, सीधा फिर भी रोलिंग करेगा तो हमको उसी शेप में हमको एक चीज बना सकता है। ये इसका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट करके लिखा है, इसमें मैं मेजरमेंट नहीं डाला है। ये इसका डेवलपमेंट है, उसमें मैं मेजरमेंट डाला है। अभी देखो इधर से किधर उधर तक कितना है लंबा, 700 प्लस 1853.5 प्लस 700 प्लस 1853.55, ये चारों गिनेगा तो हमको मिलेगा 5169.9। और ये लंबा हमको मालूम है, इधर से इधर तक 2000 है। मैं अभी 2000 करके इधर लिखा है, मैथमेटिकली मैं नहीं लिखा है, मैं आपको खाली अभी सिखाता हूँ। लेकिन आप जैसे लिखेगा उसी समय बराबर मेजरमेंट, बराबर मेजरमेंट के हिसाब से लिखना चाहिए। मैं आपको गया बार बोला था मेजरमेंट लिखने समय जो जगह में लिखता है उससे 3 mm छोड़ के 10 mm के लाइन मारने का है करके मैं गया बार बोला था। उसके बाद 2000 का एक लाइन मारने के, वो भी 3 लाइन होना चाहिए, पतला वाला लाइन होना चाहिए, गया बार बोला था। गया बार का एपिसोड आप देखिए, उसमें मैं बोला था। लेकिन मैं अभी खाली रफ स्केच हाथ से मैं खींच के आपको सिखाने के लिए करता हूँ। इसके लिए मैं ऐसे लिखा है 2000, 400 भी मैं ऐसे लिखा, 1853.5 भी ऐसे लिखा, सब ऐसे लिखा है। ओके, ऐसा है तो हमको ये डेवलपमेंट बनाना था 5169.9 इंटू 2000 लंबा मेम चौड़ाई मेम एक प्लेट काटने का है, 20 mm का प्लेट। वो 20 mm का प्लेट मैं इधर दिखाया है, ये प्लेट का वो प्लेट इधर से देखिएगा तो जो दिखता है वो इधर मैं ड्राइंग बना के रखा है। इसका थिकनेस आउटसाइड से आउटसाइड तक 20 mm है, मैं इधर लिखा है 20 mm। उसका आउटसाइड तक 5000, गलत हो गया, मैं गलत लिखा है, माफ़ दीजिए, 5169.9 है, 5169.9 है, 5169.9। ओके, इधर क्यों ऐसे बिवल दिया है आपको मालूम है, ये सीधा और इधर से इधर तक रोलिंग, इधर से इधर तक सीधा फिर भी रोलिंग, ये ऐसे सीधा और रोलिंग होने के बाद ये बाजू ऐसे घूम के इधर आएगा, टच हो जाएगा वो जगह में, हमको वेल्डिंग करने के, वेल्डिंग करने के लिए बिवल का ज़रूरत है, बिवेल्ड वेल्डिंग करना चाहिए। वो बिवेल्ड वेल्डिंग करने के लिए वी मार के वेल्डिंग करने के लिए मैं ऐसे लिखा है, उसका मतलब 5169.9 बोलो तो सबसे एंड तक 5169.9 है। खाली मैं इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बिवल के बारे में बात करने के लिए ऐसे लिखा है। ओके, आने वाले एपिसोड में बिवल के बीच में गैप रखना चाहिए करके मुझको बोलना पड़ेगा। अच्छा है तो 5169.9 से फिर भी कम करना ज़रूरत होगा, उसके बारे में आने वाले एपिसोड में मैं बोलूँगा। ये तो एक डेवलपमेंट भी, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम बोलेगा तो इतना लंबा में एक प्लेट लेने के लिए हल्का मुश्किल है। दूसरा एक गलत बोलेगा तो इतना लंबा रोलिंग करने के लिए मुश्किल है। ऐसे
एक रोलिंग मशीन का अंदर डाल के रोलिंग करने के लिए हल्का मुश्किल है। रोलिंग मशीन बोलेगा तो ऐसे ही है ना, एक रोलर ऐसे होगा, दूसरा रोलर इधर होगा, तीसरा रोलर अप एंड डाउन होने वाला रोलर ऊपर होगा। अलग अलग रोलिंग मशीन में अलग अलग सिस्टम होगा। ये हॉरिजॉन्टल वाला एक रोलिंग मशीन होगा, दूसरा वर्टिकल वाला रोलिंग मशीन है, रोलिंग मशीन में भी अलग वाला है। ये अभी ऊपर से नीचे आने, इसमें मूवमेंट होने वाला रोलर है, लेकिन इस ये रोलिंग इसमें मूवमेंट होने के बदल ये दोनों में मूवमेंट होने वाला रोलिंग मशीन है। ऐसे अलग अलग रोलिंग मशीन है, लेकिन सबका सिस्टम एक ही है। अभी क्या होता है इधर रोलिंग करना समय, ये सबसे लास्ट उसका टैंजेंट जैसे एक पोर्शन में टच करके रखा है, इसको बहुत लंबा है करके सोचो, मैं अभी इधर तक लिखा है लेकिन बहुत लंबा है। रोलिंग करने के लिए ये नीचे आएगा तब इधर दब जाएगा, बाद में जो आता है अभी धक्का मार के आगे जाते ही रहेगा। मतलब इधर से सबसे लास्ट तक जितना जगह देखे उधर तक रोलिंग मिलेगा, लेकिन ये जगह में क्या हो जाएगा, इधर से इधर तक उधर कम रोलिंग आएगा। मतलब सबसे लास्ट पोर्शन ये दोनों के बीच में, शायद ये बीच तक, मैं जो जगह में पकड़ा है उधर से इधर तक शायद बिल्कुल नहीं रोलिंग हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करता है, रोलिंग मशीन में डालने के पहले सबसे एंड दोनों ये एंड में और इधर का एंड में बेंडिंग करता है। रोलिंग और बेंडिंग में क्या फ़र्क है, रोलिंग बोले तो ऐसे रोलिंग मशीन में डाल के घुमा के रोलिंग कर सकता है, लेकिन बेंडिंग मशीन बोले तो क्या है, ऐसे वाले एक पंच है, उसको एक पंच होगा, सुई जैसे एक पंच होगा, नीचे उसको एक वी ब्लॉक भी होगा। वी ब्लॉक का अंदर ये प्लेट रख के दबाता है, पूरे नहीं दबाता, दबाता है हल्का, दबाता है हल्का, दबाएगा तो भी ये रोलिंग का जैसे राउंड का जैसे रेडियस के जैसे आएगा। ऐसे इसको जो रेडियस मांगते हैं, इधर का रेडियस बोलेगा तो आउटसाइड का रेडियस 600 है, इन साइड का रेडियस बोले तो 600 - 20 है, 600 - 20 बोले तो 580 है। 580 का रेडियस में एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, टेम्पलेट बना के चेकिंग करने के लिए वो यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे बेंडिंग करके हल्का हल्का बेंडिंग करके जो टेम्पलेट बनाया है वो बनाया हुआ टेम्पलेट से अंदर देखना चाहिए, तब एंड सही हो गया तो हमको रोलिंग मशीन डाल सकता है, बना सकता है। अभी उसमें हमसे हम लोग उसका प्रॉब्लम बोला था, ऐसे एक पूरा पीस बोलेगा तो ये पूरा पीस एक प्लेट से लेगा तो शायद मटेरियल वेस्ट होने के लिए संभावना होगा, और दूसरा ये यूज़ करके रोलिंग करने के लिए मुश्किल है, और दूसरा एक फ़र्क है, और तीसरा एक फ़र्क बोलेगा तो रोलिंग करके लेना समय हल्का ट्विस्ट होने के लिए संभावना है। ऐसे बहुत बहुत प्रॉब्लम इसमें आता है, इतना बड़ा पीस लेके उसमें रोलिंग करना समय। ये तो सब अभी मैं प्रॉब्लम है करके बोला था, तो उससे बहुत फायदा भी है। इधर प्रश्न करके मैं लिखा है 1, 2, 3, 4 शायद 4 से ज़्यादा होगा प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें इसका अच्छा बात क्या है, इसमें मटेरियल वेस्ट नहीं होता है, वेल्डिंग का ज़रूरत नहीं होता है, खाली एक वेल्डिंग करेगा तो पूरा हो जाएगा, पीस लेगा तो क्या होता है बहुत वेल्डिंग करना पड़ेगा। और दूसरा प्रॉब्लम बोले तो क्या है, हर वेल्डिंग में डिस्टोर्शन आएगा, उसका मतलब वेल्डिंग होने के बाद वो कम हो जाएगा, वेल्डिंग के बाद उसमें बेंड आएगा,
बिल्डिंग होने से बेंड न होने के लिए उसमें सपोर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम है वैसे उससे फ़ायदा भी है। एक फ़ायदा बोले तो एक मटेरियल से ले सकता है और सेटिंग के लिए प्रश्न कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग का बिल्डिंग के बाद डिस्टॉर्शन नहीं हो जाता है और बिल्डिंग चार जगह में करना पड़ता है, जो जगह में ऐसे वाले चार जगह में कटिंग करना पड़ता है, मार्किंग करना पड़ता है, बिवेलिंग करना पड़ता है और सेटिंग भी करना पड़ता है। ये सब ज़रूरत नहीं है एक ही पीस में लेगा तो, उसका मतलब बहुत फ़ायदा है एक पीस से लेगा तो, एक दो तीन चार पाँच फ़ायदा, उससे शायद उससे से भी ज़्यादा होगा। मैं अभी जल्दी बोला इसके लिए पाँच बोला, लेकिन उसमें प्रश्न भी है वो भी मैं बोला, एक दो तीन चार मैं अभी बोला। इसके लिए क्या करना चाहिए, दूसरे एक तरीके से हमको बना सकते हैं, एक पीस बना सकता है ना, एक पीस से 700 बिड़त वाला और 2000 लंबा वाला एक प्लेट ले लो, ऐसे वाला और एक प्लेट भी ले लो, वो भी डेवलपमेंट है उसका, उसमें हम रोलिंग नहीं करना चाहिए। वो मैं इधर लिखा है, ये व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा छोटा करके लिखा है। ये चीज़ है ना, ये 700 एकर का आपको मालूम है, इधर से इधर तक 2000 एकर के मालूम है, मैं इधर लिखा है 2000। ये मैं थोड़ा हल्का छोटा करके मैं इधर लिखा है 2000 लंबा और 700, वो भी पार्ट इन डेवलपमेंट ही है, ऐसे भी हमको बना सकता है। और ऐसे वाला दो पीस लेना चाहिए, दो पीस, एक पीस इधर के लिए, दूसरा पीस इधर के लिए, ये दो लेके उसमें रोलिंग नहीं करना चाहिए, खाली बिवल करने के, बिवल करके संभाल के रखना चाहिए। और दूसरा एक पीस रोलिंग वाला जगह है, स्ट्रेट के बाद रोलिंग वाला जगह है, इधर ये भी रोलिंग वाला जगह है। देखो ये लंबा हमको मालूम है कितना है, 1853.5, मतलब इधर से इधर तक 1853.5। ये ऐसे वाले दो पीस बनाएगा तो भी सेपरेट बना सकता है ना, बना सकता है। वो मैं इधर लिखा है, वाइट बोर्ड में जगह नहीं इसके लिए मैं थोड़ा छोटा करके लिखा है। ये 2000 लंबा इधर मैं लिखा है 2000, ये इधर से इधर तक बिड़त उसको 1853.5 है, 1853.5 है, वो भी मैं इधर लिखा है। 1853.5 इंटू 2000 लंबा में बिड़त में दो पीस लेना चाहिए, वो भी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है, इसके अनुसार दो पीस बनाओ, इसके अनुसार दो पीस मार्किंग करके काटो, उसके बाद इसमें रोलिंग देना चाहिए, इसमें रोलिंग नहीं देना चाहिए, ऐसा है तो भी हमको बना सकता है। अभी एक रास्ता पूरा पीस से बनाना है, उसका फ़ायदा बोला, उससे जो जो प्रश्न होता है वो भी बोला। वैसे इसमें भी फ़ायदा है, प्रश्न भी है। एक फ़ायदा बोलेगा तो आसानी से कर सकता है, दूसरा किधर भी लेके जाना हो तो भी छोटा पीस के जल्दी लेके जा सकता है। लेकिन उसको प्रश्न भी है, बहुत प्रश्न भी है। सबसे बड़ा प्रश्न बोलेगा तो उसमें चार वेल्डिंग आता है, चार जगह में, एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चारवा इधर, चार वेल्डिंग आता है। चार वेल्डिंग आता है बोलेगा तो उसमें चार कटिंग करना पड़ेगा, चार मार्किंग करना पड़ेगा, चार बिवलिंग करना पड़ेगा, चार सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद चार वेल्डिंग करना पड़ेगा, उसके बाद वेल्डिंग में चार जगह में ग्राइंडिंग करना पड़ेगा, शायद उसमें डिस्टॉर्शन आएगा तो वो डिस्टॉर्शन निकालना पड़ेगा, डिस्टॉर्शन पहले से नहीं आने के लिए उधर सपोर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसे उसमें प्रश्न भी है, इसमें ज़्यादा प्रश्न है उससे फ़ायदा भी है। अभी मैं दो तरीके से बनाने के लिए बोला, एक सीधा एक पीस इधर इधर से शुरू होकर इधर से फिर भी आकर ये भी पार करके
इधर तक पहुंचने वाला एक एक ही पीस में बनाने के लिए मैं बोला था एक बार। दूसरे बार मैं ऐसे ही बोला था, दो ऐसे वाला दो पीस बनाने के लिए, ऐसे वाला दो पीस बनाने के लिए बोला था। ऐसे करने का तो क्या होता है, एक पीस सेपरेट पीस इधर आता है, वैसे वाला एक पीस भी बनाता है करके बोला, वो पीस इधर लगाना पड़ता है। सेटिंग करने के लिए हल्का मुश्किल है, हर पीस सेटिंग करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मांगता है, अच्छा प्लेटफॉर्म से बराबर सपोर्ट रखने के बाद करना पड़ता है। वैसे वाला प्रश्न भी है, एक पीस इधर वो पीस है, ये वो पीस फिर भी दो ही है, दूसरा पीस इधर लगाता है, और ये वैसे वाला पीस भी दो है, एक पीस इधर रोलिंग करके इधर लगाता है, वैसे वाला दूसरा पीस रोलिंग करके इधर लगाता है। अभी दोस्त रास्ता से प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करने के लिए मैं बोला था, पूरा पीस लेके करने के लिए बोला, दूसरा सेपरेट सेपरेट पीस करने के लिए बोला, फिर भी रास्ता है। सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, रीति कौन सा है, उसी रीति एस्टिमेट करके फ़ायदा किससे मिलेगा उसी उसके हिसाब से पैटर्न डेवलपमेंट करना का चाहिए, कटिंग करना चाहिए, रोलिंग करना चाहिए। अभी दूसरा एक मेथड लिखने के लिए इसमें जगह नहीं है, आने वाले एपिसोड में मैं बोलूँगा। दूसरा मेथड अब जरा बोलिए, रोलिंग करना समय एक प्रश्न होता है करके मैं बोला था, मतलब सबसे लास्ट रोलिंग नहीं आता है, सबसे लास्ट शायद ये तो सब मम का नज़दीक रोलिंग नहीं आएगा। ऐसे तो मैं एक मैं क्या आपसे क्या बोलता हूँगी, ये रोलिंग का लेंथ आपको मालूम है 1853.5 के बदल, और सब मम भी ज़्यादा रखो इधर तक, इधर भी सब मम ज़्यादा रखो, उसके बाद काटेगा तो आपको डायरेक्ट रोलिंग मशीन में लगा सकता है, मतलब सबसे लास्ट वाला सब मम रोलिंग नहीं आएगा। अब ऐसे वाले सिस्टम में ऐसे आप करने करना है, करना ज़रूरत है करके मैं नहीं बोलता, एस्टिमेशन लेने के कौन सा रीति से लेगा तो वो सही हो जाएगा, इसके हिसाब से सही करेगा तो आपका कंपनी को फ़ायदा है क्या, नहीं तो ये सिस्टम से करेगा तो फ़ायदा है क्या, नहीं तो अब ये तीसरा सिस्टम मैं बोला, सब मम रोलिंग से फिर भी बढ़ा के एक डेवलपमेंट बनाने के लिए, वैसे इधर भी ऐसे करने के आधा पोर्शन इधर तक है तो भी फिर भी सब मम इधर तक, इधर से भी सब मम इधर तक, ऐसा वाला एक मेजरमेंट लेगा तो 1853.5 से सब मम ए बाजू जोड़ना पड़ेगा, सब मम ए बाजू भी जोड़ के एक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उसके बारे में मैं आने वाला बार मैं सिखाऊँगा। और तीसरा ऐसा है तो ये 400 फिर भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से सब मम इधर से कम करने के, सब मम इधर से कम करने के, उसके बारे में मैं आने वाला बार बोलूँगा। और चारवा मेथड क्या है, चारवा मेथड मैं इसका फ़ायदा और इसका गलत अभी नहीं बोलता, आने वाला बार बोलूँगा, लेकिन और सिस्टम फिर भी है करके आपको जानने के लिए। चारवा प्लाट डेवलपमेंट बोले तो ले लो इधर से एकदम आधा से ले लो, आधा से लेके एकदम आधा तक खत्म करो, ऐसा हो तो खाली दो पीस से बना सकता है, वो दोनों में सीधा वाला जगह है, रोलिंग वाला जगह है, वैसे भी कर सकता है, चारवा मेथड। और पांचवा मेथड क्या है, सीधा जगह से शुरू होकर रोलिंग बीस आप करने के बाद इधर तक एंड बनाओ, मतलब इधर से शुरू होकर इधर एंड होता है, ऐसा है तो एक स्ट्रेट वाला जगह एक रोलिंग वाला जगह उसमें होता है, वैसा वाला और एक भी बनाए तो इसमें वो सीधा आएगा, इसमें रोलिंग आएगा, उधर भी दो प्लेट का ज़रूरत है, उसमें फ़ायदा है गलत भी होगा। इसका फ़ायदा के बारे में और उसका गलत के बारे में आने वाला बार बोलूँगा। अभी मैं चार मेथड में बोला है, एक मेथड यही है डेवलपमेंट, दूसरा मेथड ये ऐसा वाला सिस्टम है, तीसरा मेथड इससे सौभम बढ़ा के करने वाला सिस्टम है, चारवा मेथड एकदम आधा से लेकर एकदम आधा तक करने वाला सिस्टम है,
पांचवा मेथड बोलेगा तो सीधा रोलिंग एक प्लेट में होना चाहिए और ऐसे वाले और एक प्लेट भी रहना चाहिए, उसमें भी सीधा और रोलिंग होना चाहिए वो सिस्टम। इसमें से एकदम अच्छा वाला सिस्टम कौन सा है करके हर एक कंपनियों को अलग अलग सिस्टम होगा, क्योंकि हर एक कंपनियों को फ़ायदा भी अलग अलग होगा। कई कंपनियों को कई मशीन नहीं होगा, जगह नहीं होगा, कई कंपनियों को बहुत मशीन होगा, जगह भी होगा, उसका प्लेट मटेरियल ज़्यादा होगा, कई कंपनी में मटेरियल कम होगा, उसके हिसाब से वो भी गिनने के बाद एस्टिमेशन लेना चाहिए। आने वाला बार सबसे अच्छा मेथड क्या है करके हम जानेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। आज का स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल 6th मैं खत्म करता हूँ। आने वाला वीडियो स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर्स मैनुअल 7 में एकदम बराबर ये 6 मेथड मैं बोलूँगा, उसमें से एक मेथड आपका कंपनी का सर्कमस्टांसेस का अनुसार करना चाहिए, वैसे एकदम अच्छा एक फैब्रिकेशन आपसे होना चाहिए। ओके, मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।